राज्य सचिवालय नियुक्ति पाइले 500 जन नवनियुक्त एएसओ 500 जन नवनियुक्त एएसओ मानंकु नियुक्ति पत्र बंटा जायछे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नवनियुक्तंकु नियुक्ति पत्र बांटीथिले। ओडिसा लोकसेवा आयोग द्वारा चयन करा जायतला 267 जन अनसंरक्षित प्रार्थी, 87 जन सामाजिक पछुआ वर्ग, 75 जन अनुसूचित जाति ओ 72 जन अनुसूचित जनजाति प्रार्थीको नियुक्ति प्रदान करा जायछे। नवनियुक्तंकु मुख्यमंत्री शुभेच्छा जणैबा सह प्रशासनकु अधिक लोकाभिमुख करिबाकु 5T मंत्र देथिले। एहि उत्सवरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायकंक सह गृह राष्ट्रमंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र ओ उन्नयन कमिश्नर असित त्रिपाठी उपस्थित थिले। नवनियुक्त एएसओ मानंक मध्यरे आईटी क्षेत्र, बैंक ऑफिसर, आईआईटीएन अछन्ते। By joining the state government today and wish the induction program all success. I understand that all of you are quite talented and with your induction, I believe the regular functioning of the administrative departments will get smoother and faster. I hope you will work with commitment and dedication to serve the people. ओडिसारे सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहिछि। भविष्यत्रे पुलिस विभाग रे, गृह विभाग रे आहुरी नियुक्ति हबो। ओडिसार द्रुत प्रगति पाई एवं ओडिसार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पाई नियुक्ति महत्वपूर्ण। आज माननीय मुख्यमंत्री नियुक्ति प्रदान करछंती, पुनः धन्यवाद। एबे ओडिसा लोकंक पई काम करे सुजोग मिलला, बहुत खुशी लागुछि कि मो निज लोक निज मानक सहित रही निज लोक काम पई काम करिया। मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि 5T तापर विशेष भाव में ध्यान देवी, क्योंकि लोकों पर पब्लिक डेलीवरी जिते सिस्टम आम बेटर कर पारे तो लोगों को बेनिफिट से जल्दी मिल पार, तो बहुत खुशी लगे। तो ये नियुक्ति मेला आम माननीय मुख्यमंत्री हाथ रू नियुक्ति पत्र पाई बहुत खुशी अच्छी मु आज दिन मो सब बहुत बड़ लकीर दिन। तो आज माननीय मुख्यमंत्री ठार् मु नियुक्ति पत्र पाई आउर रूल और रेगुलेशन मानिकी तर सबकि जो रूल बनई से सब को फॉलो करी, एति जगन्नाथ पाखे मोर प्रार्थना।